हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था हम लोगों ने, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। वेटेज की एक वीडियो बनाई थी, आई होप आप लोगों ने देखी होगी, पसंद किया होगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके वो काम आई, एम आई राइट? ठीक है, आज हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये जो चैप्टर है, इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है। कौन सा? देखो यार, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स, एज वेल एज हम प्लांट्स में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा आज का पूरा लेक्चर, इसी पे बेस्ड, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और हॉर्मोन्स को देखेंगे प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब बात करें अगर ह्यूमन ब्रेन की, तो उससे पहले मेरे बारे में जान लो कुछ इन्फॉर्मेशन, मेरे बारे में कुछ मेरी क्वालिफिकेशन है, कुछ चीजें मेरे बारे में लिखी हुई है। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना। एंड ह्यूमन ब्रेन को जानने से पहले एक और बढ़िया सी चीज की, आपने टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 9-10 ज्वाइन कर लिया। अगर कर लिया है तो बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी इस टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन कर लें। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखो क्या फायदा मिलेगा कि बेसिकली आप यहाँ पर सबसे जरूरी जो चीज है वो है पीडीएफ नोट्स। चैप्टर खत्म होता है, नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ मिलेंगे। क्लास कौन सी होनी है, किस टाइम पर होनी है, वो भी सब नोटिफिकेशन यहाँ पर आती रहेगी, तो जरूरी तो हो ही जाता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्रेन की। अब देखो यार, ह्यूमन ब्रेन मेरे हिसाब से तो ब्रेन शब्द ही अपने में बड़ा ही क्लासी है। क्लासी इन द सेंस लाइक कि ब्रेन का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि समथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ब्रेन क्या है, एक ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें, थोड़ा बुद्धि का दिमाग लग, कहते हैं ना कि थोड़ा दिमाग से काम करो। हर चीज हमारे दिमाग पे ही क्यों फोकस रहती है? दिमाग से थोड़ा सा काम लो, दिमाग से डिसीजन लो। ब्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे ह्यूमन बॉडी में। अच्छा, हमारी जो पहली क्लास थी उसमें मैंने तुम्हें बताया भी था कि जो सेंट्रल सेंट्रल पार्ट होता है, सेंटर पार्ट होता है, वो कौन होता है? ह्यूमन ब्रेन ही होता है। पूरी बॉडी में ब्रेन हमारा एक सेंटर क्या होता है, सेंटर नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें अगर ह्यूमन ब्रेन में थोड़ा सा और डेप्थ में, तो देखो ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट और भी होते हैं, उनकी बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपको दिख भी रहा होगा, एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो जो लाइट जो लेफ्ट जो है, लेफ्ट ब्रेन, उसके अलग फंक्शन होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुंदर। और जो राइट ब्रेन होता है, ठीक है, ये ब्रेन के ही दो हेमिस्फेयर हैं। तो जो राइट ब्रेन होता है उसके अलग फंक्शन होते हैं। हम उन फंक्शंस के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं। जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ब्रेन का जो एक साइड है लेफ्ट वाला और एक साइड है राइट वाला, दोनों ही कितने कितने इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो लेफ्ट ब्रेन है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। चलो, लेफ्ट ब्रेन में जब आप पढ़ते हो तो लेफ्ट ब्रेन में आपको पता चलता है कि ये पार्ट पता है कैसा होता है, ये पार्ट होता है इंटेलेक्चुअल पार्ट। मतलब यहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस, ठीक है, लॉजिक, मैथ्स, है ना, ये सारी चीजें जो भी करते हो आप अपने डेली लाइफ में, वो आपका हैंडल करता है लेफ्ट ब्रेन। ओके, और इसी तरीके से जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो भी आप लेफ्ट ब्रेन ज्यादा जो है डोमिनेंट रहता है उसमें। फिर बात करते हैं राइट ब्रेन फंक्शन की। तो राइट ब्रेन क्या फंक्शन करता है, देखो यहां पर पता क्या होता है, यहां पर आपका ना, एक मिनट बस, तो बच्चों यहां पर आपका राइट ब्रेन में क्या होता है कि जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, जितनी भी आपकी डिजाइनिंग होती है, जितनी भी आपकी आर्ट्स होती है, वो सब राइट ब्रेन जो है उसको सोच समझ पा रहा। तो आपका डिजाइनिंग हो गया, आपका आर्ट हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, तो दीज ऑल
क्रिएटिविटी, दीज ऑल आर हैंडल्ड बाय राइट ब्रेन फंक्शन के थ्रू. ठीक है, तो लेफ्ट ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और राइट ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, आपने इसकी डिफरेंशिएशन तो आपने देख ही लिया. एक और बहुत खास बात ये है कि जो लेफ्ट ब्रेन होता है हमारा, वो हमारे बॉडी के राइट साइड से कनेक्टेड रहता है, जबकि जो राइट वाला हमारा बॉडी और जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, वो हमारे लेफ्ट वाले बॉडी पार्ट से कनेक्टेड रहता है. जी हाँ, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना हो किसी को बॉडी पैरालाइज हो जाती है, तो जब उसकी कुछ ऐसा लाइक उसे लेफ्ट ब्रेन में कुछ दिक्कत होती है, लेफ्ट ब्रेन में अगर उसको कुछ भी फॉल्ट आता है, तो वो राइट जो बॉडी का साइड होता है वो उसका पैरालाइज होता है, जबकि जब लेफ्ट वाले में आता है तो राइट बॉडी साइड जो है पैरालाइज होता है. यानी कि ये दोनों कैसे हैं, ऑल्टरनेट कनेक्टेड है ना, ऑल्टरनेट कनेक्टेड है. कैसे कैसे, राइट वाला लेफ्ट, राइट वाला लेफ्ट बॉडी पार्ट से और लेफ्ट वाला राइट बॉडी पार्ट से. और समझ गया, बताऊंगा. अच्छा, ये तो हो गया दो हेमिस्फीयर, लेफ्ट और राइट. आगे बात करते हैं, तो एक ह्यूमन ब्रेन में कुछ तीन मेन मेजर पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इस पे क्वेश्चंस भी आता रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना. देखो, ब्रेन जो होता है मेनली वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है सेंटर में, है ना, सेंट्रली कोऑर्डिनेट करता है बॉडी को, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया. अब इसके थ्री मेजर पार्ट्स होते हैं, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन. ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस पिक्चर की. इस पिक्चर में ये जो माइंड, ये पूरा जो आपको, ये जो आपको ब्रेन दिख रहा है, ये पूरा है ना, इसमें जो ये वाला पार्ट आपको दिखता है, ये होता है अपना फोर ब्रेन, फोर ब्रेन. ठीक है, फिर मिड ब्रेन की बात आती है, तो मिड ब्रेन यहां पर होता है, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन. और जो हाइंड ब्रेन होता है वो ये पीछे साइड में जो आपका रहता है, इस साइड में. ठीक है, अब यहाँ पर ना बच्चों बात ये आती है कि जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या इनके काम होते हैं. जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो फंक्शन कर ही रहे होंगे. तो ठीक है, तो ये जो फोर ब्रेन है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये फ्रंट पर जो है, फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो फोर ब्रेन होता है. ठीक है, तो फोर ब्रेन क्या करता है, ये बहुत ही इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, या इसको स्पेशलाइज्ड कह लो, एक ऐसा पार्ट होता है ये ब्रेन का, बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होता है इसकी जो फंक्शनैलिटी है, और बहुत ही स्पेशलाइज्ड भी होता है, मतलब स्पेशल फंक्शंस होते हैं इसमें. ठीक है, मेजर ऑफ द जो आपका ब्रेन का पार्ट होता है वो फोर ब्रेन में ही आता है. ठीक है, इसको हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई फोर ब्रेन की, कि होता क्या है. अब इसके कुछ फंक्शंस भी हम देखेंगे. फंक्शंस क्या है, फोर ब्रेन क्या करता है, अभी आपको मैंने बताया था कि एक हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, एक हमारा राइट ब्रेन होता है. लेफ्ट ब्रेन सारा जो है थिंकिंग पे, एनालाइज पे, डिसीजन पे, मैथ्स पे, लॉजिक पे काम करता है, जबकि राइट ब्रेन डिजाइनिंग पे, क्रिएटिविटी पे, आर्ट पर, इन सब पर काम करता है. राइट, और यहां पर जो फोर ब्रेन है वो कुछ इसी तरीके से लिंक है. देखो कैसे, कि यहाँ पर जो फोर ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है. थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो मैंने आपको बताया था, थिंकिंग कहाँ से होती है, लेफ्ट वाली साइड से होती है. तो इसी तरीके से जो फोर ब्रेन है वो थिंकिंग पार्ट को ज्यादा ही क्या करता है, थिंकिंग पार्ट ज्यादा रखता है अपने पास. यानी कि जब आप सोचते हो, जब आप कुछ समझना चाह रहे होते हो, थॉट प्रोसेसिंग चल रही होती है, उस टाइम पर आपका फोर ब्रेन काम आता है. नंबर टू, कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन. अब दो तरीके के एक्शंस होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री. ठीक है, तो इनवॉलेंट्री वो होते हैं जैसे आपकी हार्ट बीट या पिपल का साइज जो है बढ़ना या घटना, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता है, बट वॉलेंट्री वो है जो ह्यूमन कंट्रोल करता है. तो जितने भी कंट्रोल द वॉलेंट्री एक्शन, मतलब जो भी आपके एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ गर्म चीज आपके सामने रखी है एंड यू नो कि वो बहुत हॉट है, तो आपने जैसे ही आप हाथ पास पे उसके ले गए उस चीज के, उस ऑब्जेक्ट के, तो आपने तुरंत हटाया. या आपको कब उठना है, कब बैठना है, या आपको अभी मन नहीं हो रहा है खाने का, आपको कब खाना है, बाद में खाना है, या आपको अभी चलना है, भागना है, देर हो रही है तो आप भागना पड़ेगा. तो ये जो कंट्रोल करते हो आप वॉलेंट्री एक्शंस को, वो आपका फोर ब्रेन करवाता है. राइट, क्लियर.
ओके, थर्ड थर्ड पॉइंट है स्टोर इन्फॉर्मेशन, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन जो आपकी मेमोरी होती है। कोई भी थॉट होता है आपका, आपने जो आज आप सोच रहे होते हो, किसके बेसिस पे? पास्ट की बेसिस पे, कि कल मैं वहां पर वो मूवी देखने गया था या गई थी। तो वो आपको, बल्कि कल छोड़ो, आप 1 साल 2 साल पीछे भी चले जाओगे ना, तो मैंने 1 साल 2 साल पहले ये मूवी देखी थी, या कोई और इंसिडेंट जो आपके दिमाग में, ब्रेन में मेमोरी की तरह बन के रह जाता है। तो ये क्या करता है, वहां पर स्टोर हो रहा है, कहाँ पर, किस जगह पर स्टोर हो रहा है, फोर ब्रेन करवा रहा है ये स्टोर। तो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। देखो सारे पॉइंट्स को बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पे याद करते हुए चलना है सब सब बच्चों को, ठीक है। नंबर फोर देखो बच्चा, हमारे रिसीव्स सेंसरी इंपल्सिस, ठीक है, फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंट्रीगेट इट। क्या करता है फोर ब्रेन? रिसीव करता है उन इंपल्सिस को, इंपल्सिस जो हमने सेंसरी इंपल्सिस अपने पार्ट वन में पढ़ी भी थी, ठीक है। तो जो सेंसरी इंपल्सिस होती हैं, जो आपके बॉडी पार्ट में वेरियस ऑर्गेन्स हैं जो भेजते हैं उनको, ब्रेन तक भेजते हैं सेंसरी इंपल्सिस को, ठीक है, उसको वो क्या करवाता है, इंट्रीगेट करवाता है, पहले रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंग फिर काम करता है। मतलब अब आपको चलना है, तो चलना है तो आप मूव करना चालू करोगे, ये इन्फॉर्मेशन आपने रिसीव की फ्रॉम योर सेंसरी इम्पल्सिस, एंड फिर आपका ब्रेन आपको उसी तरीके से इंटीग्रेट यानी कि काम करवाने लग जाता है। कितना मजेदार है ना सब कुछ। उसके बाद में आता है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, मतलब आपको भूख लगी है ना, तो जो भूख लगी है उसकी जो क्रेविंग्स आती है, मतलब अब मुझे खाना खाना है, फाइनली बहुत तेज भूख लग रही है, तो ये कहाँ पर जाता है, ये आपका फोर ब्रेन आपको बताता है कि आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो सारा कौन करवा रहा है, फोर ब्रेन। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ह्यूमन ब्रेन में दो साइड होती है, एक तो लेफ्ट हो गई और एक राइट हो गई। लेफ्ट वाला लॉजिक पे, मैथ पे और थिंकिंग पे, एनालिसिस पे काम करता है, राइट वाला क्रिएटिविटी, आर्ट और डिजाइनिंग एंड ऑल ये सारी चीजों पे काम करता है, राइट। और हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन ब्रेन का फिर उसके बाद में जो डिवाइडेशन होता है, मेजरली थ्री पार्ट्स में होता है, एक हो गया फोर ब्रेन, एक हो गया मिड ब्रेन और एक हो गया हाइंड ब्रेन। हमने फोर ब्रेन पढ़ लिया क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का, मेजर पार्ट यही होता है ब्रेन का, फ्रंट वाला, ठीक है। दूसरा इसको सेरेब्रम भी कहते हैं, इसकी फंक्शंस क्या होते हैं, कि ये थिंकिंग और थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, ब्रेन के पार्ट में थिंकिंग पार्ट होता है। नंबर टू, ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को, रिसीव करता है सेंसरी इंपल्सिस को फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंट्रीगेट इट, ठीक है। सेंटर एसोसिएट विद हंगर, हंगर से भी ये एसोसिएट होता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कब हमें भूख लगी और हमें कब खाना खाना चाहिए। नाउ कम टू द मिड ब्रेन, अब मिड ब्रेन को समझते हैं थोड़ा सा। मिड ब्रेन जो कि मैंने अभी आपको बताया भी कि किस साइड में होता है, ये आपका मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है, राइट, ठीक है। इसके नीचे आ जाएंगे तो आपको स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला वगैरह वगैरह सब दिखता है, अभी हम पढ़ेंगे। तो मिड ब्रेन क्या करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, ठीक है, सच एज चेंज इन पिपल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक, है ना। जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हम नहीं करवा रहे हैं बट वो खुद ही हो रहे हैं, जैसे हार्ट बीट, है ना, दिल धड़क रहा है तो वो भी किस वजह से धड़क रहे हैं, ठीक है, फिल्मी तो नहीं हो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, मिड ब्रेन क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट जितने भी हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है जो रिस्पॉन्स जाता है स्टिमुली के लिए, जो आपने अभी पार्ट वन में पढ़ा था, इसके जो पहली वाली वीडियो है ना उसमें हमने बताया था। तो हेड, नेक और जो ट्रक वाला जो मूवमेंट होते हैं उनको हम समझ सकते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर। तो ये तो हो गया मिड ब्रेन के बारे में कि मिड ब्रेन क्या होता है, ठीक है, कि ये कंट्रोल करवाता है इनवॉलेंट्री एक्शन को, ठीक है। नाउ कम टू दी हिंड ब्रेन, अब मिड ब्रेन में हमारे फंक्शंस भी कवर हो गए, है ना। मिड ब्रेन कहाँ पर है देख लिया, मिड ब्रेन के एक्शंस, मिड ब्रेन के फंक्शंस क्या है ये भी हमने समझ लिया। नाउ कम टू दी हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं मेजरली। अब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका सेरेबेलम, एक होता है मेडुला और थर्ड वन इज पॉन्स।
ठीक है चलो बारी बारी से देखते हैं ये तीनों है क्या। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन कहां पर होता है पता है? हाइंड ब्रेन कहां पर होता है? देखो दिस इज दी हाइंड ब्रेन पोर्शन, दिस इज दी हाइंड ब्रेन पोर्शन, हाइंड ब्रेन, और ये मिड ब्रेन थोड़ा सा ऊपर होता है। तो यहां पर क्या होता है कि हाइंड ब्रेन में इट हैज थ्री पार्ट, सेरेबेलम जो कि कंट्रोल करता है पॉस्चर को, बैलेंस करता है ना, कंट्रोल करता है जो भी आपके पॉस्चर्स हैं, आपके पॉस्चर्स क्या होने वाले हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको बैलेंस करता है, और प्रिसीजंस ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, जैसे आपको पैन उठाना है तो पहले से आपको वो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपको पैन उठाना है, पिक करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे हाइंड ब्रेन में सेरेबिलम का काम। अब ये सेरेबिलम कैसे आपको समझना है, बस इतना समझना है कि ये कंट्रोल करता है पोस्चर को, कंट्रोल करता है ये पोस्चर को और बैलेंसिंग के काम आता है। आपको पता होना चाहिए ना, आपको पता होता है कि आप मुझे सपोज फॉर एग्जाम्पल कि आपके सामने पैन आपका गिर गया और आप खड़े हो, तो आपको पता है कि पहले मैं मुझे बैंक होना है, देन मुझे पिक करना है पैन और फिर खड़े हो। तो ये बैलेंसिंग जो है, ये कंट्रोल जो है पोस्चर का, ये आपका सेरेब्रम करवा है। नंबर टू आता है मेडुला। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ये हम लोगों ने बात की थी मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन यहाँ पर होता है हमारा, लेट मी शो यू अगेन, दिस इज योर मिड ब्रेन एंड दिस इज योर मिड ब्रेन, ठीक है। ऑल्दो मैंने पहले यही बताया था मिड ब्रेन, एंड ये हो जाता है आपका हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में जैसे ही नीचे जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह वगैरह आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन में आपका मेजरली थ्री पार्ट होते हैं, सेरेबेलम ठीक है, और मेडुला ठीक है, मेडुला ठीक है, पॉन्स, इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाएंगे जब हम, तो नीचे फिर स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ लिया क्या कि सेरेब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है पोस्चर को, बैलेंसिंग के काम आता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल पिकिंग पैन, पैन उठाना हो तो क्या करते हो आप, ये सारे कंट्रोल करता है सेरेब्रम। नाउ कम टू दी मेडुला, ये मेडुला क्या करता है, मेडुला कंट्रोल करता है इन इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। मेडुला कंट्रोल करता है जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर हो गया, सेलिवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, तो जो सलाइवा बनता है ठीक है, तो जो सलाइवा बनता है या आपकी जो वॉमिटिंग होती है ठीक है, वो आपका या ब्लड प्रेशर होता है वो आपका मेडुला कंट्रोल करता है। तो मेडुला क्या करता है, मेडुला कंट्रोल करता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। ब्लड जैसे कि ब्लड बीपी बढ़ जाना घट जाना, ठीक है, सलाइवेशन सलाइवा बनना, ये आपके हाथ में थोड़ी ना है, बीपी आपके हाथ में नहीं है ना, वॉमिटिंग होना, वॉमिटिंग वॉमिट फील होना, ये आपके हाथ में नहीं है ना, तो मेडुला क्या करता है, मेडुला यही करता है, ठीक है, इन सारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, कब आपको वॉमिट आने वाली है कब नहीं, कब सलाइवेशन हो रहा है कब नहीं, कब बीपी हाई कब बीपी लो कब बीपी नॉर्मल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मेडुला इनवॉलेंट्री एक्शंस को करता है, और सेरेब्रम क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आपको पता है ना कि पैन गिरा तो आपको उठाना है, ये आप तक जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये पहुंची, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट, पॉन्स, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो लाइक दिस, तो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है उसके रेगुलेशन में पॉन्स जो है काम करता है, और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उसमें भी काम करता है। तो अब आप कहोगे कि मैम मेडुला में भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा था, पॉन्स में भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, हाँ दोनों ही अपना अपना फंक्शनैलिटी यहाँ पर कर रहे हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस में, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है ना, कि आपकी रेस्पिरेशन क्या, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो आपने पढ़ रखा है, तो जो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन जो रेट होता है आपका, वो रेगुलेट करता है पॉन्स, पॉन्स जो आपने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटेक्शन की, कि हमारा जो ब्रेन है किस तरीके से प्रोटेक्टेड है, जैसे जैसे आप कार का एग्जांपल लेते हैं, अगर
तो कार में क्या होता है, वो एयर बैग्स होते हैं ना, कि इन एनी एक्सीडेंटल केस में आपका, जैसे ही आपने बटन प्रेस किया और वो आपके बलून जो है साइड्स में बैग्स खुल जाते हैं, तो वो क्या होता है, उससे आपका बचाव होता है। इसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है उसके लिए भी प्रोटेक्शन का पूरा क्या है दिया गया है, मतलब हमारे ब्रेन में वो सारी चीजें मौजूद है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है ना। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड अ बलून विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ये प्रोटेक्टेड होता है, एक लिक्विड टाइप का होता है, फ्लूइड टाइप का होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो स्पाइनल, सेरेब्रो स्पाइनल CSF फ्लूइड, ठीक है। इसका फिर से मैं लिख देती हूँ नाम एक बार, सेरेब्रो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको कहते हैं CSF। ये फ्लूइड होता है कहां पर होता है, अभी बात करने वाले हैं इसी पे, ठीक है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम। क्रेनियम जो स्कल वाला हमारा ब्रेन का जो बॉक्स होता है उसको हम क्रेनियम भी बोलते हैं, उसको हम स्कल भी बोलते हैं, उसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो जो शॉक ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है, CSF फ्लूड जो है हमारा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जिसको हम एक शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं एंड इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम स्कल एंड ब्रेन बॉक्स, क्योंकि हमारा जो पूरा ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स के थ्रू जो है कवर्ड है। चल अभी देखेंगे हम लोग चल करके कैसे ब्रेन जो है कितनी सारी लेयर से कवर्ड है। बात कर लेते हैं छोटी सी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की। जो स्पाइनल कॉर्ड आपका यहाँ पर आ जाता है ना, थोड़ा सा नीचे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो इसका प्रोटेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो इसका प्रोटेक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड जो इंक्लोज होती है एक वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में वो जो आपका ये जिसको हम स्पाइनल तरीके से ये नीचे तक आती है जो, उसके थ्रू ये वर्टिब्रल कॉलम्स जो होते हैं वर्टिब्रल, इनके थ्रू जो है ये प्रोटेक्टेड रहती है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि जो ब्रेन की हम बात कर रहे थे कि वो लेयर्स के थ्रू क्या है प्रोटेक्टेड है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो यहाँ पे कितनी सारी लेयर्स थी, ये तो आपकी पार्ट हो गया, ये वाला आपका स्किन का पार्ट हो गया। उसके नीचे आ जाते हैं तो मेन जो चीज है आपकी वो होती है बोन, बोन आपका मेन होता है उसके नीचे, ठीक है, स्किन, ठीक है, स्किन के बाद बोन, ठीक है। अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्किन के नीचे आते हैं तो बोन, और बोन के नीचे ना तीन टाइप की लेयर्स होती है जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं मैनेंजर्स। क्या कहते हैं, मैनेंजर्स। मैनेंजर्स क्या होती है, इनको हम ड्यूरा मैटर, आर्कियोइड मैटर और पाया मैटर, तीन नाम से हम जानते हैं मैनेंजर्स को। ये मैनेंजर्स क्या करती है, ये कवरिंग करके रखती है लेयर बाय लेयर जो है हमारे जो ब्रेन होता है उसके बोन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें ये दोनों तीनों ही हमारे जो मैटर है वो रहता है। एक होता है ड्यूरा मैटर, एक होता है आर्कियोनॉइड मैटर और एक होता है पाया मैटर। इसको याद करने के लिए आप सीधे से याद कर सकते हैं डैप, DAP, डैप, जिससे आप एक कोड वर्ड है ना, एक ट्रिक बन जाती है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है कभी तो आप डैप याद कर ले। तो डी फॉर ड्यूरा मैटर, ए फॉर आर्कियोनॉइड मैटर, पी फॉर पाया मैटर। तो ये तीन होती है लेयर्स, इनको हम बोलते हैं मैनेंजर्स। फिर उसके बाद में बात करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की, ये CSF ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपका आर्कियोनाइट मैटर और पाया मैटर के बीच वाला पोर्शन होता है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन होता है आपका सेरेब्रो स्पाइनल CSF का, मतलब क्या कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो भरा रहता है जिससे कि वो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दे पाए उन लेयर्स के बीच में, और क्या हो कि बोन जो है बोन तो प्रोटेक्ट कर ही रही है, नीचे भी जो आपकी ये ड्यूरा मैटर है, आर्कियोनॉइड मैटर, पाया मैटर है, ये भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो स्किन हो गया, बोन हो गया और ड्यूरा मैटर, आर्कियोनॉइड मैटर, पाया मैटर जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं वो इसके ऊपर आते हैं। तो ये होता है बेटा पेरिस्टो, पेरिस्टोया, ठीक है। इसके इतना रिलेवेंस नहीं है, जब आप हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे अच्छे से। बेसिकली आपको बस अगर बनाना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है CSF, जो कि किसके किसके बीच में होता है, तो ध्यान रखेंगे आर्कियोनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं
सब अरकनॉइड स्पेस, इसमें ये फ्लूड जो है, इसमें ये लिक्विड जो है भरा होता है, ठीक है। नीचे आपके ब्रेन टिश्यूज होते हैं, तो इस तरीके से जो ब्रेन का प्रोडक्शन है वो पॉसिबल होता है। नाउ कम टू दी हार्मोन्स, इतना तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या हमने पढ़ा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की देखो पोजीशन, लोकेशन देख लो कहां पर होती है, मिड ब्रेन की देख लो और हाइंड ब्रेन की देख लो। इसके बाद है फोर ब्रेन जिसको हम सेरेब्रम भी कहते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स होता है, फंक्शन हमने देख लिए थे। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में आपने देखा कि ये जो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो उसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, ठीक है। एंड हमने हाइंड ब्रेन भी देखा कि सेरेबेलम एंड मेडुला एंड पॉन्स, इसके तीन मेन पार्ट होते हैं जो इसके अंदर ही आते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन में हमने पढ़ा बारी बारी से कि कितनी लेयर्स होती हैं जिनको हम मैनेजर्स कहते हैं, और एक फ्लूड होता है जिसको हम CSF कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हार्मोन्स के तरफ, जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स की। टॉपिक हमारा है हार्मोन्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, तो यहाँ पर एंड प्लांट सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद में इतना तो आपको पता ही चल गया है कि अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स इन एनिमल्स आप लोगों ने छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ा, क्या कैसे इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, सो मच देयर आर मेनी ग्लैंड्स जिसका वो पूरा सिस्टम बनाता है। इंडोक्राइन सिस्टम, उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स मिलती है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है, और वो अलग अलग हार्मोन्स अलग अलग चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ कम टू दी प्लांट्स, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं वो दो तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रमोटर का काम करता है, तो उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ऐसे हार्मोन को। और कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए इनहिबिटर्स का काम कर रहे होते हैं। तो जो इनहिबिटर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, दोनों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में ऑक्सिन्स जो है उसको पढ़ेंगे। ऑक्सिन क्या होता है कि एक ऐसा हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज करता है शूट टिप को, ठीक है, सिंथेसाइज करता है शूट टिप को और हेल्प करता है सेल्स को ग्रो करने के लिए, जिससे वो लॉन्गर हो जाए, हो पाए और इन्वॉल्व कर पाए इन एंड इन्वॉल्व होता है फोटोट्रोपिज्म में। फोटोट्रोपिज्म क्या, जो आपका रिस्पॉन्स होता है टुवर्ड्स लाइट, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा भी था। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा, प्लांट ग्रोथ के लिए जो आपका पहला हार्मोन है वो होता है ऑक्सिन। देखो अभी आगे लास्ट में क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी आपको लगाने हैं, तो इसलिए ध्यान से। ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन सिंथेसाइज करता है शूट टिप को, ठीक है, शूट टिप को सिंथेसाइज करता है, हेल्प करता है सेल को ग्रो करवाने में, और इन्वॉल्व होता है कि द रिस्पॉन्स जहां पर होता है टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा हार्मोन है कौन सा है, गैबरलीन। गैबरलीन में क्या होता है कि बस इतना ध्यान रखो कि जो आपकी प्लांट के जो स्टेम होती है उनकी जो ग्रोथ होती है उसमें जो हेल्प करता है हार्मोन वो होता है गैबरलीन, ठीक है। गैबरलीन क्या करता है, ग्रोथ में मदद करता है प्लांट के स्टेम की, तने की। नेक्स्ट आता है बच्चा साइटोकिनेंस। तो साइटोकिनेंस क्या करता है, ये बेसिकली प्रमोट करता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, कैसे कैसे होता है, क्या होता है। प्रमोटर्स का काम करता है प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, यानी कि सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तो उसको सही से होने के लिए साइटोकिनेंस आगे आता है, काम करता है, ठीक है। एंड दिस इज प्रेजेंट इन ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। जितने भी आपको फ्रूट्स मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे, उनमें इनकी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, ठीक है। एब्सेसिस एसिड क्या होता है, ये इसको भी पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एब्सेसिस एसिड होता है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ, ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हॉर्मोन। इसको स्ट्रेस हॉर्मोन बेसिकली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनहिबिट का काम कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, ये कैसा निगेटिव काम कर रहा है, तो इसलिए कि कैसा है ये भाई आपका स्ट्रेस हॉर्मोन भी से, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स में हार्मोन होते हैं, जितने भी एनिमल में हार्मोन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नाउ कम टू दी हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब हार्मोन्स इन एनिमल्स में आप लोगों ने पिछले क्लासेस में भी
8 में भी पढ़ा है, क्लास 9 में भी, कि इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती है अलग अलग तरीके की, जो आपके मेल और फीमेल में जो ग्लैंड्स मिलती है, वैसे तो बेसिकली सारी सेम ही होती है, बस एक जो है आपकी ग्लैंड अलग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल में टेस्टिस होती है और फीमेल में ओवरी होती है। तो ये यहाँ पर जो है अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, हाइपोथैलेमस, पेनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड्स होती हैं आपकी, ठीक है। अब हमें ग्लैंड की बात नहीं करना है, हमें बेसिकली मेजरली हमें बात करनी है हॉर्मोन्स की। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनमें पहला हॉर्मोन है थायरोक्साइन या थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हॉर्मोन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो ये सिक्रीट कहाँ से होता है, तो ये एक थायराइड ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करता है इसको। तो हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है। और ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है, नेप वाले, थ्रोट वाले पोर्शन में होती है। तो दो पॉइंट हो गए थायरोक्सिन के लिए, एक कि थायराइड ये हार्मोन सिक्रीट करता है। थायराइड कहाँ पे लोकेट करता है, तो पता है आपको कि नेक में, थ्रोट वाले एरिया में आपका ये थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन क्या करती है, सिक्रेट करती है। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको रेगुलेट करती है। एक जो ग्रोथ होती है ना, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के लिए जो उसको एक ग्रोथ होती है ना, मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ हार्मोन क्या है, थायरोक्सिन हो गया हमारा, राइट। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, दिस इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, सब जानते हैं, सारा बच्चा जानता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना, जो हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होती है। लो एक और पॉइंट यहाँ पर मजेदार आ गया, जो हम लोगों ने पीछे शायद छोड़ दिया, कि मिड ब्रेन में आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपने ऑलरेडी इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा था, उसमें ना बच्चों एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। और ये रेगुलेट करता है, जाहिर सी बात है, जैसा नाम वैसा काम, मतलब कि ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, अपना अपना योगदान करता है, अपना योगदान। देन उसके बाद में बात करते हैं एड्रेनलाइन, ठीक है, एड्रेनलाइन हार्मोन की, जो कि सिक्रीट करता है एड्रेनल ग्लैंड। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आसानी होगी याद करने में। और जैसा इनका हार्मोन का नेम है वैसा ही इनके ग्लैंड का भी नेम है, तो बहुत आसानी हो गई। तो समझ गए आप कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो आपका ये वाला हार्मोन सिक्रीट करती है, और एड्रेनल ग्लैंड जो है लोकेट करती है अवर बोथ किडनी, हमारी किडनी जो होती है दोनों, उनके ऊपर जस्ट हमारा ये वाला ग्लैंड होता है जो एड्रेनलाइन हार्मोन जो है रिलीज करती है। एंड रेगुलेट क्या करती है, तो ये रेगुलेट करती है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। एक ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो रहा होता है तब उसको रेगुलेट करती है, हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, पेंटिंग बन गई, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, उसको इंक्रीज करता है जब हो रहा होता है तब आप ये रेगुलेट करता है। एंड मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द इमरजेंसी कभी होता है, जब हमारे बॉडी में कुछ ऐसी मूवमेंट्स होने लग जाती हैं, फंक्शन होने लग जाते हैं कुछ एबनॉर्मलिटी के टाइम पर, तो ये उस टाइम पर ये सारी चीजें बैलेंस करता है, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें। देन नाउ कम टू द इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये एक हार्मोन होता है जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, और पैनक्रिया कहाँ होता है, स्टमक के नीचे होता है, ध्यान है ना, ये सारी बातें नहीं है तो आप सीख लो। द पैनक्रियास इज लोकेटेड बिलो स्टमक, इट रिड्यूसेस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये रिड्यूस करता है और रेगुलेट करके रखता है जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है ना, तो उस लेवल को, क्योंकि बढ़ जाएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगी भाई बॉडी में, और घट जाएगा तभी भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस गड़बड़ को बचाने के लिए इंसुलिन जो है रेगुलेशन अपना प्रॉपर तरीके से बनाए रखता है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक नेक्स्ट हमारा लास्ट जो सेक्स हार्मोन है उनके बारे में। तो मेल में और फीमेल में अलग अलग जो है ये हार्मोन्स मिलते हैं। मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, मेल में, ठीक है। इस हार्मोन को सिक्रीट करने वाला जो होता है वो होता है हमारा टेस्टिस,
ठीक है, जो मेल में पाया जाता है। द टेस्टिस इज लोकेटेड इन जेनेटल एरिया, जो आपका बॉडी पार्ट में जो जेनेटल एरिया होता है वहां पर ये टेस्टिस मिलते हैं लोगों। ये हमारा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके मेल में टेस्टिस होते हैं, और यहाँ पर ही हमारा जो सेक्स हार्मोन मेल के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन, ये पाया जाता है। अब ये क्या करता है, ये चेंज करता है इट्स चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी या सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो एक एज के बाद में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर है। अब फीमेल में बात करते हैं, तो एस्ट्रोजन फीमेल में आपका सेक्स हार्मोन होता है, ये कहाँ मिलता है, ये ओवरी में मिलता है। ओवरी कहाँ होता है, वही जेनिटल एरिया में होती है, एब्डोमेन एरिया के नीचे साइड में। ठीक है, जो ओवरी होती है वो लोकेट होती है लोअर एब्डोमेन एरिया में। तो देख लेते हैं एक बार, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें आप आएंगे अगर नीचे साइड में, तो ये ओवरी कहाँ है, एब्डोमेन एरिया में लोअर एब्डोमेन। तो ये क्या करता है, ये सेक्स हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं फीमेल्स में सिक्रीट करवाता है। ये किससे एसोसिएटेड होता है, ये भी सेक्सुअल मैच्योरिटी से ही एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हम बड़े ही सेक्स हॉर्मोन्स। ठीक है, दोनों समझ गए, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन, ये दो आपके हॉर्मोन्स मिलते हैं। अब एक टॉपिक है, मैंने इसमें बात तो की थी, हमारा आज का लेक्चर जो है उसमें हमने कवर कर लिया ह्यूमन ब्रेन, हमने कवर कर लिया प्लांट में जो हॉर्मोन्स होते हैं, हमने कवर कर लिया जो एनिमल में हॉर्मोन होते हैं। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने लिखकर नहीं समझाया था बट मैंने तुम्हें ओरली बताया था, तो इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन आता है दरअसल हर बार छोटे शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स में आता है, तो इसको ना एक बार रीड करते हैं, ये तुम ध्यान से देखना, तुमने पढ़ा है, मैंने तुम्हें समझाया है अपनी पहली वाली वीडियो में। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ह्यूमंस में, बेसिकली जब आप फर्स्ट पॉइंट को देखो, यू विथड्रॉ योर हैंड रिफ्लेक्सिबली और इमीडिएटली वेन यू टच अ हॉट सर्फेस, आप हॉट सर्फेस को टच करते हो एकदम से आपने हटा लिया, क्योंकि आपको पता है ये बहुत गर्म है। देन योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, जब आपके मुंह में पानी आने लग जाता है कच्चा आम या अचार या कुछ ऐसा फेवरेट फूड देख करके, तो वो वाला एक्शन तुम्हें याद होगा, वो वाला भी एक्शन जिसमें यू यू मूव अभी एज सून एज यू सी अ कार कमिंग क्लोज टू यू, आपके पास में कार आ रही है तो आप क्या करेंगे, एकदम से हटना चाहेंगे, होता है ना। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, वी डोंट थिंक इन सच सिचुएशंस, इन सिचुएशंस में सोच नहीं पाते हैं, सोचते नहीं है, एंड अवर एक्शंस डू नॉट फील लाइक दे आर अंडर अवर कंट्रोल, और हमारे एक्शंस भी ऐसे नहीं होते जैसे वो हमारे कंट्रोल में हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहला ही पॉइंट ले लेते हैं, एक हॉट सरफेस को मैं छूने जा रही थी और मैंने इस तरीके से छुआ और हटा लिया एकदम से, क्योंकि मुझे पता है, और ये मैंने नहीं किया, ये खुद हुआ, ये खुद से हुआ, दिस इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ही कोई मेरा खाने का फूड बहुत बढ़िया सा अच्छा सा मजेदार क्या बोला जाए, आलू के पराठे मुझे पसंद है, तो मुझे मेरे पानी में माई माउथ स्टार्ट वॉटरिंग, मुंह में पानी आने लग जाता है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है, ये क्या मेरे कंट्रोल में, या मैंने खुद को बोला कि थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाए, नहीं ना, ये खुद से होता है ना। ये सारे एक्शंस ऐसा वी डोंट थिंक कि इन सब सिचुएशन में हम सोचते नहीं है, बट हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, एक्शंस डोंट फील लाइक दे आर अंडर आवर कंट्रोल, ये ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये एक्शंस, और होते भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो आप जब एग्जाम में ये आएगा तो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, और आई सारे ही पॉइंट्स जितना भी अब तक मैंने पढ़ाया सब अच्छे से लिख पाओगे। अब हम करेंगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस। ठीक है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है, द ब्रेन इज लॉस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल नोन एज, अच्छा हम लोगों ने डिस्कशन जरूर कर रखा होगा इन जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन इज लॉस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल नोन एज, फर्स्ट है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, क्रेनियम या मेनिंजस। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा, इफ यू आर आंसरिंग क्रेनियम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्रेनियम जो होगा हमारा स्कल वाला जो पार्ट होता है। ठीक है, क्या दिया है, द ब्रेन इज लॉस्ट इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रेनियम कहते हैं, पीछे पड़ा था। नंबर टू क्वेश्चन देखो, देखो रूट्स ऑफ प्लांट्स आर कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा हटकर है क्वेश्चन, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला।
इसी बहाने हमारा एक टॉपिक और कवर हो जाएगा, रूट्स ऑफ प्लांट आर कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं या पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। तो जियोट्रॉपिक क्या है? जियोट्रॉपिक एक देखो, फोटोट्रॉपिक तो वो हो गया जिसमें लाइट के लिए आप रिस्पॉन्स करते हो, या प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट का जो मूवमेंट है वो लाइट पे डिपेंड कर रहा है। जियोट्रॉपिक का मतलब है जो अर्थ का आपका ग्रेविटेशन, यानी कि जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंगली जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। नहीं समझ आया? चलो फिर से समझते हैं। देखो, जो आपका पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिवली वेट अ मिनट, दिस वन इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो इसमें क्या होता है ना, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक में जब सबसे पहले जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जो हमारी प्लांट की ग्रोथ हुई है, प्लांट ग्रोथ, जैसे सपोज रूट की बात कर रहे हैं ना, बेसिकली ये रूट की बात कर रहे हैं तो हम रूट को ही समझते हैं। रूट आपने देखा होगा जब भी रूट की ग्रोथ होती है तो कैसे होती है, रूट की ग्रोथ होती है, फिर से बेंडिंग हो गई। देखो रूट की ग्रोथ ऐसे होती है नीचे की तरफ, जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे रूट बढ़ती चली जा रही है। कैसे बढ़ रही है, किस मूवमेंट में बढ़ रही है, क्या ऊपर के लिए बढ़ रही है? नहीं, ये तो नीचे के लिए बढ़ रही है, यानी कि ये ग्रेविटी के साथ में रिस्पॉन्स कर रही है, एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटेशनल ये बिहेव नहीं कर रही है। ये जो आपकी अर्थ की ग्रेविटी होती है, ठीक है, जियो ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी, उसी के साथ में जो है बढ़ रही है नीचे की तरफ। तो क्या हो रहा है, ये आपका एक पॉजिटिव, पॉजिटिवली रूट में क्या हो रही है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक सिचुएशन आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी के साथ में मूवमेंट हो रहा है, ना कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। अगर अगेंस्ट होता तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ में उसकी ग्रोथ हो रही है रूट की, इसलिए ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस कैसे होंगे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होंगी। समझ गया, हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। एक हमारा ये ना, एक हमारा टॉपिक भी हो गया फिनिश। फिर बात करते हैं विच प्लांट हॉर्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन। अरे अभी अभी तो पढ़ा था, बताओ सेल डिवीजन कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन करता है, गैबरलीन करता है, साइटोकाइनिन करता है, या एब्सेसिस एसिड करता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या ऑक्सिन, ऑक्सिन सोच रहे हो ना, बताना मुझे क्या सही सोचा था। ऑक्सिन हमारा क्या करता है, प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। नाउ कम टू दी फोर्थ एमसीक्यू, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। जो सीड्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें डोरमेसी मतलब जो ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ डिपेंड करती है, तो विच प्लांट हार्मोन प्रमोट करता है डोरमेसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ध्यान होगा हम लोगों ने बात की थी एब्सेसिस एसिड की, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ग्रोथ होती है सीड और बर्ड्स की वो इसी पे ही डिपेंड करती है, राइट? तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल ठीक ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, आपने कुछ एमसीक्यूज भी कर लिए। नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसका पूरा रिवीजन करो, मुझे बताओ कहाँ डाउट है, कैसा डाउट है, नहीं है, दैट इज वंडरफुल, बढ़िया है, अच्छा है, और बस लगे रहो, पढ़ाई करो अपनी, एग्जाम नियर है। अभी चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको हम हमारे आपके आप जब तक हमारे साथ में है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो हम आपके हमेशा साथ हैं, इसी तरीके से आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखो। अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना नया चैप्टर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।